नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम सब महिलाओं में पाई जाने वाली कॉमन समस्या प्रोलैप्स के बारे में चर्चा करेंगे। आपने कई बार महिलाओं को कहते हुए सुना होगा कि उनको शरीर के निचले हिस्से में कुछ भारीपन महसूस हो रहा है या फिर कुछ शरीर का कुछ हिस्सा बाहर निकल रहा है, जिसे जब डॉक्टर के पास जब दिखाने आते हैं तो डॉक्टर देख के उन्हें बता पाती हैं कि उनको प्रोलैप्स है या नहीं है। कई बार सिर्फ गांठ की वजह से या और किसी वजह से भारीपन हो सकता है, पर यदि शरीर का कुछ हिस्सा जैसे बच्चेदानी का हिस्सा, बच्चेदानी का मुंह या बच्चेदानी खुद या बच्चेदानी के आगे पाई जाने वाली पेशाब की थैली या लेटरिन की थैली बच्चेदानी के साथ खिसक कर अगर नीचे आ जाती है और वो योनि द्वार के बाहर दिखने लगती है तो उसे हम प्रोलैप्स कहते हैं। और प्रोलैप्स एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो एक मिडिल एज की वुमेंस में लगभग 50% महिलाओं में पाई जाती है, बट ये कई बार यंग लेडीज़ के अंदर जैसे 20 से 30 साल की लेडीज़ के अंदर भी पाई जा सकती है। ये समस्या अगर यंग लेडीज़ में है तो ये कंजेनाइटल हो सकती है, जिसमें कि उनके टिश्यू जेनेरिक रूप से ही कमज़ोर होते हैं और एक तरह के हर्निया की तरह बच्चेदानी नीचे खिसक के आ जाती है। लेकिन अगर ये बीमारी जैसे कि 50 साल के आसपास की लेडीज़ में अगर मिल रही है तो उसमें जनरली कारण कुछ और भी होते हैं, और मोस्ट कॉमन जो कारण है वो है नॉर्मल डिलीवरीज़, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरीज़ के कारण जब बच्चा नीचे निकलता है, बच्चा डिलीवरी होता है तो उसकी वजह से नीचे के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से बच्चेदानी को जो सपोर्ट करने वाले लिगामेंट्स हैं वो बच्चेदानी को सपोर्ट पूर्णतया नहीं दे पाते और बच्चेदानी खिसक के योनि द्वार से बाहर आने लगती है। अब तक इस समस्या का ऐसा कुछ इलाज नहीं था जिसकी वजह से बच्चेदानी को बचाया जा सके, बट मेडिकल साइंस ने अब इतनी प्रगति कर ली है कि नई टेक्निक्स के द्वारा, दूरबीन के द्वारा बच्चेदानी को वापस अपनी जगह पे फिक्स करना पॉसिबल है। जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में डॉक्टर सुशीला सैनी द्वारा ये ऑपरेशन नियमित रूप से किए जाते हैं। अगर हम देखें कि इसमें ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं तो इसमें बच्चेदानी को वापस अपनी जगह पर ला के एक जाली के द्वारा बच्चेदानी को फिक्स करके और एक फिक्स जगह पे जैसे कि रीढ़ की हड्डी के साथ में या कमर के दाईं और बाईं तरफ के हिस्से पे जो हड्डी पाई जाती है उस हड्डी के ऊपर जाली को टाँके लगा के फिक्स कर दिया जाता है और बच्चेदानी वापस अपनी जगह पे सेट हो जाती है। और जो पेशाब की थैली और लेटरिन की थैली जो बच्चेदानी के साथ नीचे गई हुई थी, वो बच्चेदानी के साथ जब ऊपर अपन उसको वापस अपनी जगह पे नॉर्मल जगह पे लाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे आ जाते हैं, और साथ में उनको भी टाँके लगा के अपनी जगह पे फिक्स कर दिया जाता है। तो इस लेटेस्ट टेक्निक के द्वारा अगर बच्चेदानी स्वस्थ है आपकी, जिसमें कोई गांठ नहीं है, कोई महीने की समस्या नहीं है, कोई सफ़ेद पानी की समस्या नहीं है, तो बच्चेदानी को निकलवाने की कहीं से ज़रूरत नहीं है। आप बच्चेदानी को वापस अपनी जगह पे नॉर्मली फिक्स करवा सकते हैं, और दूरबीन के द्वारा एकमात्र छोटे से छेद और साथ में एक या दो छोटे छेद के द्वारा ये ऑपरेशन आराम से पॉसिबल है, जिसमें आप एक या दो दिन के अंदर ऑपरेशन के बाद घर जा सकते हैं। और ऑपरेशन के बाद किसी तरीके का कोई परहेज़ नहीं होता, और ऑपरेशन के बाद आप अपनी नॉर्मल शादीशुदा ज़िंदगी जी सकते हैं, क्योंकि बच्चेदानी खिसकने के बाद में कई तरीके की समस्याएं आ जाती हैं। और इस ऑपरेशन के साथ जब बच्चेदानी को फिक्स किया जाता है तो नीचे का जो रास्ता चौड़ा हो जाता है उसको भी वजाइनोप्लास्टी करके नीचे के रास्ते को भी अच्छा और सुंदर बना दिया जाता है, ताकि जो ढीलापन और जो सफ़ेद पानी की समस्याएं वो जो भी आ रही हैं वो सब उसके साथ में ठीक हो जाती हैं। और बच्चेदानी फिक्स करने के ऑपरेशन के साथ में ध्यान रखने की बात ये है कि अगर आपको लंबे समय से खांसी चल रही है या आपको कब्जी रहती है या आपको भारी वजन उठाने का काम करते हैं तो ये तीनों चीज़ें बच्चेदानी को वापस अपनी जगह से हिलाने का काम करती हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से परहेज़ रखना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है जिसमें लंबे समय से खांसी चल रही है या वज़न उठाने का आप काम करते हैं तो आप उसका पहले इलाज करवाएं, खांसी अपनी ठीक हो जाए। कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपको लेटरिन जाने में दिक्कत आती है, तो आप पहले उसका इलाज कराएं, फिर आप उसके बाद में बच्चेदानी फिक्स कराने का ऑपरेशन आराम से करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।